अच्छा लग रहा है पार्क ना? नहीं चलो मुझे नहीं खिंचवाना, मुझे गुस्सा आ रहा है अब। क्यों? तो गर्मी में तुम्हें सीरियस करने के लिए रुक ही रहा हूँ क्या? सो गाइस, अभी अपने साथ एक बहुत ही खतरनाक सीन हो गया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप लोगों के काफ़ी डिमांड एंड डिमांड के साथ में स्पेशली गेस्ट हमारे आ चुके हैं। सो ये चेक करो, मेरी बाइक है एंड ये कौन है। सो अभी हम दोनों लोग का क्या प्लानिंग है, अभी थोड़ा सा घूमने फिरने का, देन आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। फूल का फोटो शूट कर रही हैं, वाह ब्यूटीफुल ना। सो आप देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है ये फूल्स। एक्चुअली हम लोग इधर एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, अभी जस्ट आप लोगों के डिमांड से ही लाए हैं। सो इसमें भर भर के कमेंट आने चाहिए। देन आज का ब्लॉग हमारा यहीं से स्टार्ट है। सो चेक करो मेरी बाइक, मेरी क्यूटी कितनी क्यूट लग रही है ये। ओ सॉरी, ये भी ये तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है। अब क्या, ये देखो कुछ भी, मतलब कूड़े कचड़े का भी तुमको फोटो क्लिक करना है। देखो भाई ये बंदी हो, देखो। तो सोच लो इसका क्या हाल है, क्या हुआ, चला जाए। सो गाइस अब हम ही लोग चल रहे हैं गोल्ड सिटी एंड मिलते हैं वहाँ पे, क्या हुआ। चलो वरना मैं दोबारा वहाँ से आऊँगी नहीं, से रुक रुक कर रहे तुमको यहीं चल रहा है। सब लोग सोचेंगे कि ये सब पागल हो गए हैं, खड़े हो गए इधर उधर। सोचने वाले तो बहुत कुछ सोच रहे हैं इस सुनसान जगह में, तुम क्या कर रहे हो। चलो यार गर्मी लग रही है। फाइनली फ्रेंड्स अभी हम लोग जस्ट निकल चुके हैं, निकलने का है कि अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा सा एक स्पेशल जगह गोल्ड सिटी, क्योंकि गोल्ड सिटी का आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है मेरे को, फालूदा पीने का है। सो अभी हम लोग चलेंगे एंड ये समझो यार ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, काफ़ी गर्मी हो रही है, ऐसा तो मानने में आ रहा है। साइंटिस्ट वगैरह बता रहे हैं कि 25 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक का काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने वाला है। तो भाई इस टाइम समझ लो कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और अभी इस टाइम सोच लो कि लगभग कितना बज रहा है, 6:49 हो रहा है, मतलब 6:30 का मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। 6:30 भी इतना ज़्यादा तप रहा है ना, क्या बताऊँ मैं भाई, काफ़ी ज़्यादा तप। क्या हुआ, पिटबुल था? अच्छा एक्चुअली पिटबुल इसका फेवरेट है एंड इसको सामने ही देख के यार तो काफ़ी एक्साइटेड हो रही है। सो गाइज ये समझो कि ना इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि ब्लॉग बनाने के लिए घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। सो क्या ही ट्रैवल करें, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से मैं देखो अभी ब्लॉग के ब्लॉग शूट करने के लिए ही निकला हूँ। देन ये समझो कि आपके स्पेशल गेस्ट सोना जी भी हैं। सो फाइनली ये समझो आप लोग प्यार दो तो हमारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हों, अच्छे खासी वीडियोज़ आएंगे। हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पीछे बैठी है ना, तो कम से कम ये समझो कि 30-35 की स्पीड पे भी चल रहा हूँ, फिर भी एकदम समझ लो कि शाम होने के बावजूद भी जो हवा चल रही है ना, एकदम गर्म गर्म हवा चल रहा है, इतना ज़्यादा हवा चल रहा है ना, मतलब फिर भी मतलब ठंडा होने का मौसम कोई मतलब ही नहीं है। बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, धूप क्या मतलब आग सी जैसे लग रही, लू चल रहा है 50-60 इसी पे ही। ठंडी होता तो संभल भी सकते थे कपड़े पहन के, लेकिन गर्मी में क्या। अच्छे से बैठी हो ना, अच्छे से बैठी हो ना, तो मैं स्पीड चलाऊं। पूछना पड़ता है यार, अब क्या ही बताऊं। खैर वैसे भी रात होने पर, रात पे इसका व्यूज़ अच्छा नहीं आता है, सो आप चेक कर लो, देख लो, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, क्योंकि रात में व्यूज़ नहीं अच्छे आते हैं। बट क्या करें ना, इतनी ज़्यादा धूप लग रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बाप रे बाप, क्या ही बताऊं यार, मतलब गर्मी इतनी इस कदर पड़ रही है ना कि इंसान बेहोश हो जाए। सो धूप में मैं कैसे कैसे ब्लॉग बनाता हूँ आप लोगों के लिए, सो आप लोग यार सपोर्ट करो, बस आप लोगों की दुआ रहे बस। बाकी तो ब्लॉग तो यार अभी क्या, इस टाइम तो हम लोग लेह लद्दाख होने चाहिए, सो सपोर्ट करो, निकला जाए लेह लद्दाख भी घूम करके आया जाएगा। एंड फाइनली ये लखनऊ की शाम आपको घुमानी बहुत ज़रूरी है, देन हम लोग एक दिन नाइट आउट भी मारेंगे,
नाइट आउट में काफ़ी मज़ा आएगा। एंड सबसे पहले अभी हम लोग लोकल साइड में घूमते हैं, फिर उसके बाद मज़ा आएगा। यार मेरी GoPro की ये हालचाल बहुत ख़राब चल रहा है। हालचाल क्या, क्या बार बार मेरा YC कट जाता है। इसका माइक का डिफ़ॉल्ट है या फिर क्या डिफ़ॉल्ट है? मैं यार लुलू मॉल के पास आ गए हैं। सो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होती है। इधर भी देखो अब बहुत सारी गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। यार हम लोग आ गए हैं काफ़ी, ये चेक करो गाइस, हम लोग आ चुके हैं फाइनली गोल्ड सिटी, जो यहाँ का सबसे खूबसूरत सिटी में माना जाता है। सो ये समझो, चलो हम एक राउंड लगा के आपको दिखाते हैं ये क्या खूबसूरत है। ये समझ लो ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है, मतलब जो लेफ्ट से जाते हैं। सो ये राइट साइड में जो पूरा देख रहे हो ना, ये फुहारे वगैरह लगे हैं, ये देखो कितना मस्त लग रहा है यार, अमेजिंग लग रहा है, क्या खूबसूरत लग रहा है। फुहारे वगैरह यहाँ से देखो मज़ा आ जाता है। एंड ये चेक करो गाइस क्या लग रहा है यार सिटीज। एक्चुअली नाइट है, शायद आप लोगों को कम ही दिख रहा होगा, नहीं तो यहाँ पे मॉर्निंग में आएंगे किसी दिन तो आपको दिखाएंगे। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे लगता है ना यार चल लंदन वगैरह में आ गए। ये बिल्डिंग देखो काफ़ी खूबसूरत लगती है, देखो चेक करो यहाँ पे फुहारे के जस्ट बगल में बिल्डिंग, काफ़ी अच्छा लगता है। रात में ये मस्त एकदम पूरा लाइट वगैरह जब जलता है तो और अच्छा दिखता है। एक राउंड लगा के आपको पूरा दिखाता हूँ, इधर से मैं वहाँ तक का पूरा जितना भी सब मस्त मस्त जगह है। सो एक इधर है, एक उधर है, मतलब ये सारे पार्क हैं, बीच बीच में रोड्स गए हैं। ये देखो फुहारे हैं पूरे चारों तरफ से। एंड हम लोग कहाँ पे बैठेंगे, यहाँ से नहीं लेफ्ट से लेते हैं पहले, क्योंकि इधर का रास्ता बंद है। देन हम लोग एक राउंड लगा करके आना पड़ेगा लगता है, एक राउंड लगा करके फिर उसके बाद यहाँ पर स्टे करते हैं। लग रहा है आई थिंक मेडिटेशन एंड योगा के लिए ये पूरा फील्ड आप देख सकते हो। ये पूरा जो है ना, ये मेडिटेशन एंड योगा के लिए अलग से एक पार्ट बना है। जो देखो यहाँ पे कुछ लोग मेडिटेशन भी कर रहे हैं। सो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे, अगर आओ तो बहुत अच्छा नेचर आपको मिलता है देखने को। सो एक अलग ही फीलिंग्स आती हैं। अभी यहाँ पे रुकते हैं एंड आपको पूरा एक्सप्लोर कराते हैं क्या क्या चीज़ें, मस्त मस्त जगह इधर साइड उधर साइड सब जगह। सो बाइक को यहीं पे पार्क करते हैं, देन आपको मिलाते हैं अच्छी अच्छी जगहों से। चेक करो गाइस, ये लड़की पूरी खोई हुई है इस पार्क को, इस नज़ारे को देखते देखते। एंड ये सो क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में, अभी फ़िलहाल बैग बारी है कह दो मुझे दो। सो ये समझ लो ना यार मज़ा काफ़ी आने वाला है इस ब्लॉग्स में। एंड आप लोग सपोर्ट बनाए रखो, बस मज़ा आने वाला है, एंड तक देखो। क्या A few moments later. क्या फालूदा लोगी या फिर आइसक्रीम या फिर जो है पानी पीना है? बहुत ज़्यादा पानी है, बताओ। सुनो सुनो सुनो, इधर आ, फालूदा पीना है या फिर पानी? फालूदा, ठीक है। इतनी बड़ी फुक्खड़ मुझे पता नहीं था। अच्छा, यहाँ तक चेस्ट तक भी नहीं किया। खा रही हो टॉमी की तरह? अरे कहना क्या चाहते हो? तो गर्मी में तुम्हें सीरियस करने के लिए रुक ही रहा हूँ क्या? गजब बेइज्जती है। सो ये है अपना गोल्ड सिटी प्यारा सा, और ये है हम दो लोग प्यारा। चलो खाना आराम से, खाने के बाद मिलते हैं, बाय। सो गाइज, अभी अपने साथ एक बहुत ही खतरनाक सीन हो गया। सो ये समझ लो कि माइक ही नहीं काम की, पूरी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, मतलब माइक चल ही नहीं रहा है। GoPro का क्या सीन है कि GoPro में चल तो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, बस वॉइस ही रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। इतनी अच्छी अच्छी क्लिप बनाए थे हम लोग, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस थी, जिस मतलब बहुत देखने को नहीं मिला। सो अभी आप देख सकते हो हम हैं गोल्ड सिटी, एंड ये अपना पीछे का टावर देख सकते हो, चेक कर सकते हो।
सो देन यहाँ पे हम अपने फ़ोन से शूट कर रहे हैं, ये हमारी बाइक है। क्या सीन हुआ कि अभी जस्ट मतलब माइक ही नहीं काम कर रहा है। सो जिनको भी वीडियो पसंद आया है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी मैं न्यू माइक लेकर के आऊँगा, उसके बाद नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा वो काफ़ी ख़तरनाक ब्लॉग होगा। सो आज के ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय एंड टेक केयर। क्या हुआ अभी, हवा चल रहा है ना, जाने का टाइम हो तब चलिए, चले या फिर रुके? नहीं चलो, कि बर्तन धुलने हैं उसके। मैं धुलूंगा, मैं क्यों धुलूंगा, ऐसे ना धुलवा पड़ी। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये तो सब गंदा कर दिए यार, चलो बच्चे हैं छोड़ो, झाड़ दो। मैं ना झाड़ रही हूं, ये पकड़ो। चलो ये क्यों खींचते हैं? चलो मुझे नहीं खींचवाना, मुझे गुस्सा आ रहा है अब। क्यों, आप तो गोल छोटी फोटो क्लिक करवाने आई थी ना। चलो जल्दी। क्यों, मुझे गुस्सा दिला करो। कितना मस्त फोटो आ रही है तुम्हारी, मस्त पार्क है ये, अच्छा लग रहा है पार्क ना। नहीं क्यों, मेरी मर्जी। तो बाबा मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का तबाके लाकर शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।